वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने कि ये फिगर दे रखी है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे आप इसका एरिया फाइंड करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर उसी क्वेश्चन की हेल्प से हम अपना एरिया फाइंड अप करेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये हेक्सागन है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, हेक्सागन किसे कहा जाता है? जिसकी सिक्स साइड होती हैं, ठीक है, उसको हेक्सागन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसकी कितनी साइड है? सिक्स साइड है। तो ये क्या हुआ? एक हेक्सागन हो गया। ठीक, इन विच बी एल परपेंडिकुलर ए डी, बी एल परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर। ठीक है, सी एम परपेंडिकुलर ए डी, सी एम परपेंडिकुलर ए डी के ऊपर। फिर बोलता है ई एन परपेंडिकुलर ए डी, ई एन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए डी के ऊपर। फिर एंड लास्ट में बोलता है एफ पी परपेंडिकुलर ए डी, एफ पी के परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ए डी के ऊपर। ठीक, फिर बोलता है सच दैट ए पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए पी कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पी ए से पी तक 6 सेंटीमीटर। ठीक, पी एल 2 सेंटीमीटर, पी से एल तक 2 सेंटीमीटर। ठीक, फिर बोलता है एल एन 8 सेंटीमीटर, एल से एन तक 8 सेंटीमीटर। ठीक, फिर बोलता है एन एम 2 सेंटीमीटर, एन से एम तक 2 सेंटीमीटर। ठीक, एन से एम तक 2 सेंटीमीटर भी हो गया। एम डी 3 सेंटीमीटर, एम से डी तक 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अच्छा, एफ पी 8 सेंटीमीटर, एफ से पी तक 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, एफ पी 8 होने के बाद फिर है ई एन 12 सेंटीमीटर, ई से एन तक 12 सेंटीमीटर। ठीक, फिर है बी एल 8 सेंटीमीटर, बी से एल तक 8 सेंटीमीटर। ठीक, बी एल 8 सेंटीमीटर एंड सी एम 6 सेंटीमीटर, सी से एम तक 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको इस हेक्सागन का एरिया फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे? तो देखिए, बहुत इजी है। सबसे पहले आप इस पूरे हेक्सागन को फिगर में डिवाइड कर लेंगे हम इसको। ठीक है, फिगर में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम फर्स्ट फिगर बोल देते हैं, इसको सेकंड फिगर, इसको थर्ड फिगर, इसको फोर्थ फिगर, इसको फिफ्थ फिगर और इसको सिक्स्थ फिगर। ठीक है, हमने इसको कितने हिस्सों में बांट दिया? 6 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे अपने फर्स्ट फिगर का। यहां पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। अब फर्स्ट फिगर का आप एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए हमारी फर्स्ट फिगर कैसी है। ट्राइंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? कैसी फिगर है? ट्राइंगल फिगर है। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, 1/2 लिख लेंगे इंटू बेस। बेस क्या है इसका? 6 सेंटीमीटर। इंटू हाइट, हाइट क्या है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके फर्स्ट फिगर का एरिया आ गया। ठीक, इसी तरीके से एरिया ऑफ सेकंड फिगर, सेकंड फिगर का एरिया। अच्छा, सेकंड फिगर हमारी कैसी है? ये कैसी है? ट्रेपेजियम है ना एक। कैसी फिगर है? ट्रेपेजियम फिगर है। क्योंकि देखिए, ये तो हो गई हमारी पैरेलल साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल साइड हो गई और इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया। ठीक, तो ये कैसी फिगर है? एक ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच, या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कैसे लिखेंगे? 8 एंड 12। यहाँ पर लिखते हैं 8 प्लस 12 इंटू एच, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है, मतलब इसकी 2, यहाँ से यहाँ तक 2 है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक 8 है, 8 एंड 2 10। यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं, 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम इक्वल 8 एंड 12 20 मल्टीप्लाई 5, 25 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारी सेकंड फिगर का एरिया। अच्छा, थर्ड फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहां पर निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ थर्ड फिगर। अच्छा, हमारी थर्ड फिगर कैसी बन रही है? ट्रायंगल फिगर है। ठीक, अच्छा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू बेस क्या है इसका? देखिए, यहां से यहां तक ये पूरा बेस होगा, यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 3 है, 2 एंड 3 5। ठीक, बेस हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? 12 हो गया। 2 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम, 6 5 जा
30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी थर्ड फिगर का एरिया क्या आया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ फोर्थ फिगर, एरिया ऑफ फोर्थ फिगर क्या होगा हमारा, सेम क्या है, ट्राइंगल फिगर है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसको भी फिलअप कर लेते हैं। 1/2 बेस क्या है इसका, हमारा बेस है 3। ठीक है, अच्छा इसकी हाइट कितनी है, 6, 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारी फोर्थ फिगर का एरिया कितना आया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अब फिर से लिख लेते हैं एरिया ऑफ फिफ्थ फिगर, एरिया ऑफ फिफ्थ फिगर। ठीक है, कैसी, अच्छा हमारी फिफ्थ फिगर कैसी बन रही है, ट्रेपेजियम फिगर, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। यहां से ये 6 है और ये 8 है, तो देखिए यही तो होंगी पैरेलल साइड जो पैरेलल चलती है। ठीक है, वो पैरेलल साइड हो गई। ठीक, 8 एंड 6, 8 + 6 मल्टीप्लाई डिस्टेंस या हाइट बिटवीन पैरेलल साइड, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक 8 और यहां से यहां तक 2, 8 एंड 2 यानी कि 10, 2 से 1 10, 2 से 5 10, 8 एंड 6 14 एंड 5 का मल्टीप्लाई, 14 × 5 = 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे फिफ्थ फिगर का एरिया क्या आ गया, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अब निकालते हैं अपना सिक्स फिगर। अच्छा हमारा सिक्स फिगर कैसा है, ट्राइंगल है, तो इधर लिख लेते हैं एरिया ऑफ सिक्स फिगर, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस क्या है इसका, 6 एंड 2 8, 8 हमारा बेस हो गया। हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 8 इसकी हाइट हो गई, 2 से 1 10, 2 से 4 10, 4 8 = 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सिक्स फिगर का एरिया कितना है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, देयरफोर एरिया ऑफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एंड एफ, इसका एरिया क्या करेंगे आप, फर्स्ट फिगर का एरिया, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का एंड सिक्स का, सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा। तो फर्स्ट फिगर का एरिया कितना था, 24, प्लस सेकंड का कितना था, 100, थर्ड का 30, फोर्थ का 9, फिफ्थ का 70 एंड सिक्स्थ का 32, प्लस कर लेते हैं 2 एंड 9 11, 11 एंड 4 15, 15 1 कैरी 3 एंड 1 4, 4 एंड 7 11, 11 एंड 3 14, 14 एंड 2 16, 16 1 कैरी ये यहाँ आया एंड 2, 265 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारे इस हेक्सागन का एरिया हो जाएगा।